जय श्री कृष्णा। आज हम गीताधाम गुरुकुल ऑनलाइन क्लास में क्लास 12 आर्ट का राजनीति विज्ञान का ब खंड उसका अध्याय छठवां न्यायपालिका, जिसके बारे में हमने न्यायाधीशों के प्रकार, भारत की न्यायिक संरचना, तदर्थ न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश, न्यायाधीशों की योग्यता, ये सारे प्रावधान पढ़े थे कौन किस आधार पर न्याय। अब है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति का क्या आधार है, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति क्या, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कैसे की जाती है। तो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय में के एवं राज्यों के उच्च न्यायालयों के ऐसे न्यायाधीशों के प्रासंग करेंगे जिनसे वह आवश्यक समझे। क्या करेगा राष्ट्रपति, राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों से सलाह करेगा अगर वो उचित समझे तो, क्या करे तो उचित समझे तो कोई जरूरी नहीं है। दूसरा है वरिष्ठतम, क्या हाई सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश को नियुक्त करेगा, क्या करेगा नियुक्त करेगा वरिष्ठतम, जो सीनियरिटी में पहले नंबर है हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, उसको नियुक्त करेगा। लेकिन इस वरिष्ठता को 1973 में है, जो 1973 और 1973 और 1977 में इस वरिष्ठता को तोड़ दिया गया था, कई बार ऐसे अपवाद भी हैं। दूसरा है राष्ट्रपति अन्य राज्यों के न्यायाधीशों हाईकोर्टों के उसको भी है जो सलाह करेगा, या सुप्रीम कोर्ट के किसी भी न्यायाधीश से सलाह कर सकता है। अब नियुक्ति की प्रणाली क्या है, प्रणाली है एक प्रणाली है कॉलेजी नियम, कौन सी है कॉलेजी नियम, कॉलेजी प्रणाली। इस प्रणाली के अंतर्गत क्या है, इसका उच्च न्यायालय के निर्णयों के आधार पर, क्या सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों के आधार पर इसकी उत्पत्ति हुई, इसको थ्री जजेस केसेस भी कहते हैं, क्या कहते हैं थ्री जजेस केसेस भी कहते हैं। जिसमें 6 अक्टूबर 1993 को उच्च न्यायालय के 9 जजों की एक खंडपीठ ने एक निर्णय दिया जिसमें कॉलेजियम प्रणाली की उत्पत्ति हुई, और इस प्रणाली में मुख्य न्यायाधीश के अलावा 4 वरिष्ठ जज हैं जो होते हैं, जिसे सलाह करने के बाद ही मुख्य न्यायाधीश सरकार को सिफारिश भेजता है जिसे मानने के लिए सरकार बाध्य है। यानी इसमें एक जो मुख्य न्यायाधीश होता है, मुख्य न्यायाधीश और 4 वरिष्ठ अन्य न्यायाधीश, ये जो बैठकर निर्णय लेते हैं या प्रस्ताव देते हैं इस प्रस्ताव को है जो सरकार को भेजा जाता है, किसको भेजा जाता है सरकार को भेजा जाता है, और सरकार उसी बंदे को जज या सीनियर चीफ जजिस्ट है जो नियुक्त करने के लिए बाध्य होती हैं। तो एक तो ये, तो अब कॉलेजियम प्रणाली की भी कुछ कमियां हैं, जैसे किसी औपचारिक और पारदर्शिता का अभाव रहता है, ये कौन वरिष्ठ है कौन बैठेगा, बंद कमरे में कोई लिखापटी नहीं, कोई मिनट्स नहीं, इस तरह से इसमें पारदर्शिता का अभाव है। फिर है सुप्रीम कोर्ट के लिए हाईकोर्ट की वरिष्ठ जजों में कॉलेजियम की सीमाएं बाधाएं बनती हैं, जिसमें प्रतिभान वरिष्ठ जजों और वकीलों की अनदेखी होती है। अब जो सिर्फ
वरिष्ठ जज हैं तो चार ही जज आएंगे, बाकी हाईकोर्टों के जो जज हैं वरिष्ठ हैं या कोई सीनियर वकील हैं तो उनकी अनदेखी हो जाती है। वरिष्ठ जज दिनकर जैसे न्यायाधीश की नियुक्ति में भी इस व्यवस्था पर प्रश्न खड़े किए। हालांकि हाल ही में चर्चित न्यायपालिका में महिलाओं के साथ कुछ है जो घटनाएं हुई कार्ड टू केसेस वगैरह में, तो उसमें भी काले दिन व्यवस्था की कमियां उजागर हुई थी। दूसरा जो तरीका है वो तरीका है न्यायिक नियुक्ति आयोग। जो दूसरा तरीका है न्यायिक नियुक्ति आयोग, ये न्यायिक नियुक्ति आयोग की व्यवस्था है। तो इसमें एक राष्ट्रीय न्यायिक आयोग बना दिया जाता है। इस आयोग में टोटल 6 सदस्य होते हैं। कितने होते हैं? 6 सदस्य होते हैं। कितने होते हैं? 6 सदस्य होते हैं। उन 6 सदस्यों में एक तो भारत का मुख्य न्यायाधीश, क्या है? भारत का मुख्य न्यायाधीश अध्यक्ष होता है। क्या होता है? अध्यक्ष होता है। राष्ट्रीय न्यायिक आयोग का मुख्य न्यायाधीश अध्यक्ष होता है। और सुप्रीम कोर्ट के 2 वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं। क्या होते हैं? सुप्रीम कोर्ट के 2 वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं। फिर इसमें भारत का कानून मंत्री पदेन सदस्य होता है। क्या होता है? कानून मंत्री भी इसमें शामिल होता है। भारत का कानून मंत्री पदेन सदस्य होता है। क्या होता है? पदेन सदस्य। अर्थात वो जो पद कानून मंत्री होगा वही इसका सदस्य गिना जाएगा। और 2 प्रबुद्ध नागरिक इनके सदस्य होते हैं जिनका चयन राष्ट्रपति, भारत का प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश और विपक्ष के नेता वाली 3 सदस्य समिति करेंगे। और 2 ऐसे बौद्धिक व्यक्ति जिनका चयन, उनका चयन एक कमेटी करेगी। कौन करेगी? समिति करेगी। और समिति में कौन कौन होगा? मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री, और विपक्ष के नेता, प्रतिपक्ष नेता, इनकी सदस्यों वाली समिति करेगी। और 2 प्रबुद्ध व्यक्तियों में से 1 अनुसूचित जाति और 1 अन्य पिछड़ा वर्ग व अल्पसंख्यक महिला वर्ग से होगा। आयोग सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के पद हेतु व्यक्ति की नियुक्ति की सिफारिश नहीं करेगा जिनके नाम पर किन्हीं 2 सदस्यों से आपत्ति जताई हो। आयोग के किसी कार्य अथवा सिफारिश पर इस आधार पर सवाल नहीं किया जाएगा कि आयोग का कोई पद रिक्त था। इस आधार पर विपक्ष के नेता शब्द की जगह लोकसभा में सबसे बड़ी पार्टी के नेता को कर दिया गया था, क्योंकि 16वीं नियम में कोई है जो विपक्ष का नेता नहीं था। तो इस तरह से ये राष्ट्रीय न्यायिक आयोग बनाया। लेकिन इसको राष्ट्रीय न्यायिक आयोग को भी है जो अक्टूबर 2015 में जो असंवैधानिक घोषित कर दिया। क्या कर दिया? अक्टूबर 2015 में इसको असंवैधानिक असंवैधानिक घोषित कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। और उसके भी कारण बताए थे कि क्योंकि इसमें ये कानून मंत्री हैं तो फिर न्यायपालिका की स्वतंत्रता हनन होती है। तो इस आधार पर उन्होंने ये प्रक्रिया को घोषित कर दिया। अब है न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया। क्या है? हटाने की प्रक्रिया। हटाने की प्रक्रिया को अगर हम मोटे तौर पर देखें तो राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाता है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा महाभियोग की प्रक्रिया पूरी करके। क्या है? महाभियोग की प्रक्रिया पूरी करके। क्या है? संवैधानिक प्रावधान है जो 124 में है, महाभियोग की प्रक्रिया, महाभियोग की प्रक्रिया। और आधार क्या क्या हो सकते हैं? पहला है कदाचार के आधार पर। क्या है? कदाचार के आधार पर। और
कार्य में असमर्थता के आधार पर, क्या है, कार्य में असमर्थता के आधार पर, हिंदू आधार पर वह जो उसको हटाया जा सकता है। दूसरा है न्यायाधीशों को और भी तरीके हैं जिसमें न्यायाधीश को आंतरिक प्रक्रिया इन हाउस प्रक्रिया में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए स्वयं इस प्रक्रिया का निर्माण किया जाता है और जिसमें कदाचार व्यक्ति को भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं जो उस न्यायाधीश को पद से हटा देंगे, परंतु ये बाध्यकारी व्यवस्था भी नहीं है। अब हम पढ़ेंगे इनका सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार। अब क्षेत्राधिकार इसका कौन-कौन से हैं, तो उसमें हमारा सबसे पहला आएगा उच्चतम न्यायालय की आरंभिक क्षेत्राधिकार, क्या है, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में अनुच्छेद 121, कौन से अनुच्छेद 131 के तहत प्रारंभिक क्षेत्राधिकार हैं, कुछ शुरुआती क्षेत्राधिकार हैं जिसमें सीधे ही है जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी वो पहले मानता है केंद्र व राज्यों के मध्य विवाद, कौन सा है, केंद्र व राज्यों के मध्य विवाद, जो भी है केंद्र और राज्यों के मध्य जो विवाद है वो दो या दो से अधिक राज्यों के मध्य विवाद, दो राज्यों या दो से अधिक राज्यों के मध्य विवाद। तीसरा है अनुच्छेद 32 के अंतर्गत मूल अधिकारों की रक्षा के लिए, अनुच्छेद 32 के तहत मूल अधिकारों से संबंधित इस एक्ट को सीधा ही सुप्रीम कोर्ट, और फिर जो ऐसे संघीय विवाद वे मामले जो आरंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत रद्द नहीं आते हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो कुछ मामले इसके अंतर्गत नहीं आते हैं जो है तो इस कैटेगरी के भी दो राज्यों के बीच का है या केंद्र के मामले हैं, जैसे अंतरराज्य नदी जल विवाद, ये नदी जल का विवाद है वो सुप्रीम कोर्ट नहीं सुनेगा, पहले इसको हमारे यहाँ जो नदी विवाद के लिए आयोग बने हुए हैं वो आयोग इसमें सुनवाई करेंगे। दूसरा है वित्त आयोग द्वारा राज्यों को पद्धत अधिकार, क्योंकि केंद्र वित्त आयोग केंद्र का है और राज्यों को जो हिस्सा देता है उसमें राज्यों की अपनी हिस्सेदारी होती है, वो भी केंद्र और राज्यों का मामला है लेकिन वो नहीं सुनेगा, उसके लिए भी अलग है जो कैग या कमेटी बनी हुई है। तीसरा है संघ और राज्य के बीच कुछ ब्यौरों का समाधान जिसमें संविधान लागू होने से पूर्व देयदाताओं का प्रावधान है, कुछ ऐसे मामले हैं जिसमें संविधान लागू होने से पहले राज्य और केंद्र के मामले थे, वो भी ट्रिब्यूनल या कोई ऐसा आयोग बनेगा जो वो उन ट्रिब्यूनल को सुनेगा, तो ये है जो पहला मामला है। फिर है दूसरा अपील, जो दूसरा मामला है अपीलीय क्षेत्राधिकार, कौन सा है, अपीलीय क्षेत्राधिकार में वे मामले आते हैं कि उन मामलों में है जिनमें उच्चतम न्यायालय से उच्च न्यायालय में अपील की जाती हो, यानी जब कोई हाई कोर्ट के फैसले के विरुद्ध अपील है जो वो
जाएगी अगर कोई अपील का मामला है। फिर कुछ ऐसे हैं मामले सिविल मामलों में अपील जिनका कोई महत्वपूर्ण है, और कुछ ऐसे मामले हैं जो इजाजत से सुने जाते हैं विशेष प्रमाण पत्र से, और कुछ गैर विशेष प्रमाण पत्र से भी हैं। फिर है आपका तीसरा है सलाहकार अधिकारिता क्षेत्राधिकार। सलाहकारी क्षेत्राधिकार तो तीसरा मामला है, सुप्रीम कोर्ट किन को सलाह दे सकता है। अब सलाहकारी मामले में ऐसा है कि इसमें यदि राष्ट्रपति किसी मामले में उच्च न्यायालय से सलाह ले सकता है, लेकिन सलाह लेने के निम्नलिखित आधार है, यानी वो भारत का राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है, क्या लेता है, लेकिन जरूरी नहीं कि वो दी गई सलाह को मानने के लिए बाध्य हो। अगर कोई सार्वजनिक महत्व का प्रश्न है तो सुप्रीम कोर्ट से सलाह कर सकता है। संधि या समझौते जो संविधान के लागू होने से पूर्व किए गए उस पर सलाह ले सकता है, लेकिन राष्ट्रपति सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है, और नहीं हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट नहीं सुप्रीम कोर्ट प्रत्येक मुद्दे पर सलाह देने के लिए बाध्य है। ना तो राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य है और नहीं सुप्रीम कोर्ट प्रत्येक मामले पर सलाह देने के लिए बाध्य है। संविधान के कुछ ऐसे मामले हैं जो संविधान लागू होने से पहले ही किन्हीं राज्य या सरकारों के बीच हुए तो उनके लिए भी हैं जो लागू नहीं है। चौथा है उपचारात्मक याचिका। उपचारात्मक याचिका में यदि किसी व्यक्ति की पुनरावलोकन याचिका अस्वीकार कर दी तो वो उपचारात्मक याचिका दायर कर सकते हैं, यानी यदि उसकी कोई पुनरावलोकन की लोकन की याचिका रद्द हो गई या निरस्त हो गई तो वो इस उपचारात्मक याचिका को दायर कर सकता है, याचिका को दायर कर सकता है। दूसरा है ऐसा ही मामला कि इसमें तीन वरिष्ठ न्यायाधीश और वकीलों का प्रमाण पत्र होना चाहिए, और ये होना चाहिए कि न्याय का उल्लंघन हुआ और इस पर पुनर्विचार होना चाहिए। अब है पांचवा न्यायिक पुनरावलोकन की मुख्य जो शक्ति है वो है न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक पुनरावलोकन की शक्तियां। तो न्यायिक पुनरावलोकन की शक्तियों में है जो किसी भी सरकार के किए गए सरकार द्वारा बनाए गए कानून या प्रावधान का वो न्यायिक पुनरावलोकन करता है, और अगर उसको लगता है सुप्रीम कोर्ट को कि ये संविधान के विरुद्ध है या संविधान से अकॉर्डिंग नहीं है या संविधान को क्रॉस कर रहे हैं कर सकता है, तो ये है जो उनकी। अब उच्चतम न्यायालय की कुछ अन्य आधिकारिकताएं भी हैं, कुछ ऐसे काम भी हैं जो वो उसके करने पड़ते हैं और वही उसका अंतिम निर्णय है। जैसे भारत के राष्ट्रपति और उस राष्ट्रपति के चुनाव पर अगर कोई विवाद है तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव पर निर्णय सुप्रीम कोर्ट ही देगा। फिर दूसरा है संघ लोक सेवा या राज्य किसी भी राज्य की कोई लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाने का कार्य है तो उसकी भी याचिका वो सुनेगा। भारत के निर्वाचन आयोग से संबंधित मामलों जिन्होंने उन्होंने निर्णय किया चुनाव से संबंधित उन कोई अपील भी सुप्रीम कोर्ट में हुई होगी, और संविधान के 145 अनुच्छेद के तहत जो भी कानून बनते हैं उनका परीक्षण वो कर सकता है। फिर है उच्चतम न्यायालय द्वारा वर्णित विधि भारत के सभी न्यायालयों पर लागू होती हैं और इसे अभिलेख न्यायालय भी कहते हैं। अब इसके अलावा भी कुछ ऐसे क्षेत्राधिकार और काम हैं जिसको संविधान करते हैं जिसमें न्यायपालिका और संसद की भूमिका महत्वपूर्ण है। तो संसद कानून बनाने और संविधान संशोधन करने में सर्वोच्च है, लेकिन कार्यपालिका उन्हें लागू करने और न्यायपालिकाओं को
विवादों को सुलझाने के लिए और सुनिश्चित करने के लिए सर्वोच्च है और इस तरह ये संविधान के बनाए कानूनों के अनुरूप है। अनेक निर्णयों के माध्यम से न्यायपालिका ने संविधान की नई नई व्याख्याएं दी हैं और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा की है। जब भी जरूरत पड़ती है तो वो अनेक प्रकार से संविधान की व्याख्या कर सकती हैं और उन व्याख्याओं के आधार पर भारतीय न्यायपालिकाओं को है जो उसके अधिकारों की रक्षा हो सकती है और वो संविधान का गार्जियन भी कहलाता है। कल हम पढ़ेंगे राज्य के हाईकोर्ट के बारे में। धन्यवाद।